स्टार्ट मीनू को अगर देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कम्प्लीटली बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मेरा इतनी मॉर्निंग में आने के पीछे एक पर्पस है। एक खास वजह ये है कि कल ही मुझे पता चला है कि विंडोज 11 का वर्जन कहीं से लीक हो गया। एक्चुअली में लॉन्च होने का जो एक्चुअल डेट रखा गया था, एक्सपेक्टेड डेट था, वो था 24th of June, मतलब आज से 7 दिन बाद जिस चीज़ को रिलीज किया जाना है ऑफिशियली, वो पहले ही उसका वर्जन लीक होने की वजह से हमने भी कहीं से आप लोगों के लिए ये वर्जन अवेलेबल करवाया है ताकि हम आपको लॉन्चिंग के पहले ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकें कि विंडोज 11 आप किस तरीके से अपने सिस्टम में अपग्रेड कर सकेंगे और किस तरीके से आप उसे इंस्टॉल कर सकेंगे, उसमें नए नए क्या क्या फीचर्स हैं, उनको इंस्टॉल करने में किस तरीके के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी परेशानियाँ आती हैं और आप किस प्रकार से इसका सही तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप अपने सिस्टम में भी विंडोज 11 को यूज़ कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने बूटेबल पेन ड्राइव में हमने विंडोज 11 के सॉफ्टवेयर को रखा हुआ है और उसको हमने एक सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं यहाँ बिना किसी देरी के। हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि हमारे कंप्यूटर में इस वक्त विंडोज 10 का वर्जन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, जो कि एक्टिवेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट मींस कि हम ऑलरेडी विंडोज 10 अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हैं। एक फ्रेश हमारे सी ड्राइव में ही ये इंस्टॉल्ड है और डी ड्राइव इस समय मेरा पूरी तरीके से खाली। तो चलिए हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ आए, यहाँ पेन ड्राइव हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम सेटअप पे डबल क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम इसके बाद यस किए, हमारे सामने आप देख सकते हैं विंडोज 11 का ये एक इंस्टॉलेशन स्क्रीन अपीयर हुआ जहां हमें नेक्स्ट करना है। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल रही हो तो हम ज़रूर आपको मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आप आसानी से देख पाए कि हाँ देखिए ये फुल स्क्रीन में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हेडिंग देख लीजिए, विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन का विंडो है ये। इसमें हम सबसे पहले आपको नेक्स्ट करके दिखा रहे हैं, यहां से नेक्स्ट, ये चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है जो जिससे कि इसका जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट है वो अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट कहने का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, देखिए इसका लास्ट अपडेट जो आया था ना, लास्ट अपडेट जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था, एक्चुअली रिलीज नहीं किया गया था, वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट किया गया था, वो डेट था 31 मई 2021। लेकिन जून में भी इसका एक वर्जन अपडेट हुआ है, आप इसीलिए यहाँ देख पा रहे हैं लास्ट अपडेट जून 2021, और 24 जून को ये रिलीज होना है। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं लाइसेंस एग्रीमेंट को। हम उसका इंस्टॉलेशन आपको करके दिखा रहे हैं, ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जूम आउट कर दिया है हमने। अब हम आसानी से दिखा सकेंगे, देखिए यहाँ इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो की पर्सनल एंड फाइल्स है। तो हम ये सेटिंग्स को रहने दिए, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, बस इंस्टॉल बटन पे हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहे हैं और विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, देख सकते हैं आप। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से रहता है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि आपको कैसा ये देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारा सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये खुद से अपने आप को रीस्टार्ट किया।
दिस इज विंडोज 11, आप देख सकते हैं यहाँ। ये देख सकते हैं आप विंडोज 11। बहुत ही एडवांस्ड लुक में सबसे पहला चेंजेस जो हम देख पा रहे हैं वो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट मेनू में है। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर हो रहा है इस वक्त, हम दिखाना जरूर चाहेंगे। देखिए ये हल्का सा राउंडेड शेप में है, मतलब कितना ही बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ आपको ये दे रहा है। इसमें सेंटर में कर दिया गया है हमारा स्टार्ट मेनू। पूरे टास्क बार के सेंटर में है। हम पहले आपको इसका वर्जन दिखा देना चाहेंगे एक बार कि हाँ ये वास्तविक में विंडोज 11 है या नहीं। ये देखिए प्रॉपर्टी में विंडोज 11 प्रो वर्जन, डेवलपर वर्जन, ये यूजर वर्जन नहीं है, डेवलपर वर्जन है। इंस्टॉल्ड ऑन 17/6/2021, ओएस बिल्ड 21996.1, फीचर एक्सपीरियंस पैक। देखिए सारे आइकन्स को किस तरीके का कर दिया गया है। ऑप्शंस बेसिकली आपके टूल्स बार में सीन दिए गए हैं, लेकिन स्टार्ट मेनू को अगर देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कम्प्लीटली बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन है ये। ऑल एप्स का बटन यहाँ कॉर्नर पे प्रोवाइड किया गया है जहाँ से हम सारे एप्स को अपने एक्सेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से एप्लीकेशन बेसिस पे इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन हाँ आइकन्स काफ़ी बेहतरीन लुक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही बेहतर है इसकी, ड्राइव्स वगैरह का लुक भी काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर वास्तविक में एक फोल्डर की तरह दिख रहा है। इसमें आपको अभी विंडोज़ का, चूंकि ये डेवलपर वर्जन है इसलिए विंडोज़ का कोई लोगो नहीं अवेलेबल करवाया गया है हमें,